फिर बारिश आ गई है तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज है संडे और संडे के दिन ही हम वीडियोस बनाते हैं। आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं डालते, तो बाकी दिन हमें टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, तो संडे को छुट्टी होती है इस वजह से हम संडे को ही वीडियो बनाते हैं। तो बच्चे लगे हुए काम पर। वैसे तो मैंने अभी झाड़ू निकाली थी तो ज़्यादा कचरा है नहीं, बस पेड़ है ना तो पेड़ों में से पत्ते गिरते रहते हैं बार बार, तो तेजू को अच्छा लगता है अपनी मम्मा की हेल्प करना। तो तेजू झाड़ू निकाल दिया और शिवांश तेजू के साथ साथ लगा हुआ है। आज हम लोग बनाएंगे सहजन की सब्जी। तो सहजन के जो पेड़ है वो हमारे घर में हमने लगाए हुए हैं, तो पेड़ पे से हम फली तोड़ेंगे और बिल्कुल ताज़ा फ्रेश फलियों की आज सब्जी बनाएंगे। और यहाँ पे हो रही है सहजन की जो फली होती है उसे को तोड़ने की तैयारी। तो पेड़ बहुत ऊंचे हो गए, हाथ नहीं आते, तो डंडे के ही बांध के और फिर तोड़ेंगे। तो सहजन का जो पेड़ है ना इस पे पत्ते तो बिल्कुल है ही नहीं, पत्ते लगातार झड़ते रहते हैं और फलियाँ ही फलियाँ दिखती है, पत्ते बिल्कुल गायब हो चुके हैं। शिवांश यहाँ पे फलियाँ उठा रहा है जो नीचे टूट कर गिर रही है। वैसे तो सहजन के फूल की भी सब्जी बनती है, पर जो फूल है वो हाथ नहीं आते क्योंकि पेड़ ऊँचे हो गए, और जो अपने आप टूट के गिरते ना वैसे मुरझाए मुरझाए से होते हैं, तो उनकी सब्जी बनाने का मन नहीं करता, तो हम बस फलियों की ही सब्जी बनाते हैं। तो तेजू और शिवांश इकट्ठी कर रहे हैं, तेजू और शिवांश के पापा फली तोड़ रहे हैं। और ये देखिए ये फलियाँ टूट गई हैं और अभी और फली तोड़ेंगे, अभी थोड़ी सी फली कम लग रही है मुझे। फलियां तो टूट गई है, तो चलिए अब इनकी सब्जी बनाते हैं। ये देखो देखने में कितनी सुंदर लग रही है, लंबी लंबी फ्रेश बिल्कुल। तो मार्केट में हम जब लेते हैं ना तो थोड़ी सी पकी पकी सी और थोड़ी सूखी सूखी सी मिलती है, तो जब पेड़ से तोड़ के हम बनाते हैं ना तो बिल्कुल फ्रेश फली मिलती है। फलियों को मैंने अच्छे से धो लिया, अब इसको लंबा लंबा काट लेंगे, जितनी बड़ी हमारी उंगली होती है ना लगभग इतना लंबा काट लेंगे। आप चाहे तो छोटा बड़ा जितना भी आप चाहे उतना कर सकते हैं। पहले हम सहजन का जो छिलका होता है उसको उतार लेंगे। तो दो तरीके होते हैं छिलका उतारने के, आप चाहो तो पहले जो कच्ची फलियाँ होती है उसका भी छिलका उतार सकते हो, या फिर एक बॉयल करने के बाद छिलका उतार सकते हो। वैसे आप, मैं तो यही प्रेफर करूँगी आपको कि आप पहले छिलका पहले उतार लीजिए उसके बाद बॉईल कीजिए। मैंने यहाँ पे पहले बॉईल किया फिर उसके बाद छिलका उतारा था, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। बारिश आने लगी भाई, धूप भी आई हुई है और बारिश भी आ रही है। काफी रहेगी ना, इतनी काफी है, नहीं वो भी काट लेना ये। हाँ नहीं बहुत ज्यादा है। अचानक से बारिश आनी शुरू हो गई, अभी मौसम बिल्कुल साफ था, धूप थी और अचानक से ही बारिश आ गई। बारिश की वजह से आज थोड़ा सा लेट हो गया, बारिश रुकी है तो अब हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कढ़ाई में पानी चढ़ा दूंगी। ये जो फलियां होती हैं ना इनमें एक हल्का सा कसेलापन होता है, तो पहले हम इनको एक बार बॉईल कर लेंगे। बॉईल बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस जब पानी में बॉईल आ जाए उसके बाद मुश्किल से 3 या 4 मिनट, इतना काफ़ी होता है। इनसे इनका जो कसेलापन होता है वो निकल जाएगा, टेस्टी भी लगेगी। अगर आप डायरेक्ट सब्जी बनाएंगे ना तो एक कसेलापन आएगा उसमें। चली चली।
तो बस 2 या 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट, इतनी देर ही बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इनको निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर छिलका पहले नहीं उतारा था, मैं यही प्रेफर करूँगी आपको, दोबारा से मैं कह रही हूँ कि आप छिलका पहले उतार लीजिए, क्योंकि जब ये बॉईल थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा हो जाएगी ना तो टूट जाएगी छिलका उतारने के चक्कर में, इसलिए पहले छिलका उतारेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फलियाँ ठंडी होती है, इतने में छौंक की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इनको काट लेती हूँ बारीक। तो कढ़ाई चढ़ा लेते हैं छौंक के लिए, इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल गरम होता है इतने में ये लहसुन कूट लेती हूँ। तेल गरम होते ही सबसे पहले हम इसमें जीरा डाल देंगे, और जीरे के चटकते हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज भूनती है इतने में टमाटर भी काट लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं। जो लहसुन मैंने कूटा था उसी में मैं मसाले भी डाल लूँगी, जो बेसिक मसाले होते हैं नमक मिर्च धनिया पाउडर हल्दी, तो इनको मैं डाल के गोल बना लूँगी। नमक मैं नहीं डाल रही हूँ, नमक मैं बाद में डालूँगी। तो इसमें मैंने सिर्फ धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक घोल बना लूँगी अभी मैं। और प्याज के भूनते ही मैं ये लहसुन और मसाले का घोल इसमें डाल दूँगी, इसको भून लेंगे 2-3 मिनट। मसाले के भूनते अब इसमें डाल देंगे टमाटर, और इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। ये जो मसाला भुनता है ना इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, मेरा तो मन करता है इस मसाले के साथ ही रोटी खा ली। मैंने बचपन में खाया भी वैसे ही था। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे ताकि जो मसाला है वो जल्दी पक जाए। कढ़ाई हिल रही है थोड़ी सी। हमारा मसाला पकता है, इतने में जो फलियां इनका छिलका उतार लेती हूँ, ठंडी हो गई है। मैं आलू भी काट लेती हूँ, मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू डाल रही हूँ, और अब आलू को डाल के पका लेंगे। फली जो थी वो हमने पहले बॉईल कर चुकी थी, वो आधी से ज़्यादा पक चुकी है, तो पहले हम आलू को पका लेंगे। जब आलू भी आधे से ज़्यादा पक जाएंगे ना तब हम फली डालेंगे। तो इसको मैं ढक के पकाऊँगी। अब थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, क्योंकि आलू जो पक चुके हैं आधे थोड़े चिपकना शुरू हो गए थे, तो मैंने पानी डाल दिया। और जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू होगा हम फलियां डाल देंगे इसके अंदर। आलू पहले से पक चुका है आधे से ज़्यादा, फलियों को हमने उबाल लिया था, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बस इसको 5 मिनट पकाएंगे और सब्ज़ी हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप चाहो तो सूखी सब्ज़ी बना सकते हो, लेकिन जो ये तरी वाली सब्ज़ी है ना ये ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। अब इसको ढक के पकाएंगे हम 5 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि दोनों चीज़ें पहले से पक चुकी है। सब्जी पकती इतने में आटा भी लगा लेती हूँ। रोटी आज मैं अंदर गैस पे बनाऊंगी, वैसे तो मेरा चूल्हे पे बनाने का ही मन था। सब लोगों का मन होता है कि संडे है छुट्टी है तो आज चूल्हे पे बना खाना खाएंगे, लेकिन आज बारिश की वजह से ना हम लोग लेट हो गए, इस वजह से मैं रोटी अंदर बनाऊंगी। तो देखो सब्जी भी हमारी पक गई है आटे के लगते ही, देखो देखने में बहुत ज़्यादा टच्ची लग रही है और खाने में भी इतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप लोग भी ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। आखिर में मैं इसमें अब डाल दूँगी गरम मसाला।
सब्जी हमारी पक के बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, हमारी वीडियो कैसी लगी। और आप लोग भी सहजन की रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है, मैं इसको डालती हूँ प्लेट में। अच्छी है।